Women are the primary caregivers and educator of the next generation. Women have a direct impact and so have a greater responsibility to communicate and educate to mitigating and protecting them environment for the next generation. Being She is a platform to encourage women and embrace their own unique. By the Being She platforms, one unique event organized by Arpana Bajpayee and her team. Being She launched its first calendar 2021 and celebrates New Year party. The internationally most beautiful and famous model participates in the event in the Cafe Babies at Lemar Bal Jumeirah, Dubai. Arpana Bajpayee and celebrates address for the guests and participants. She talked more to HD Plus Television Network about the event. Hello दोस्तों, मैं हूं असलम जावेद from HD Plus दुबई और हमारे साथ हैं अपर्णा वाजपेयी. Being a She ब्रांड को माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से चला रही हैं और आज इनकी एक और अचीवमेंट है कि इन्होंने आज 2021 का कैलेंडर लॉन्च कर दिया है. तो जानते हैं कि ये कैलेंडर लॉन्च करने की क्या वजह है. जी अपर्णा, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद और मुबारक हो आपको कि आपने इतना बड़ा दोबारा से एक इवेंट कर दिया बुर्ज खलीफा के बाद. तो आज आप कैसा फील कर रही हैं कि ये 21 का जो कैलेंडर लॉन्च किया आपने? जी, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है आज, और ये खुशी का मौका है क्योंकि दो पर्पज़ हैं आज के इवेंट के. एक, हम बीइंग शी यूनिवर्स 2020 जो हमने नवंबर में सोफिटेल द पाम में किया वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और आज ये उसका एक्सटेंशन है कि हमें बीइंग शी यूनिवर्स 2021 का कैलेंडर लॉन्च करने का मौका मिला. तो इसके थ्रू हम काफ़ी सारा एम्पावरमेंट का मैसेज कम्यूनिटी में स्प्रेड करना चाहते हैं, और यही कोशिश रही है हमेशा बीइंग शी की. अच्छा, वैसे तो बीइंग शी ने काफ़ी बड़े इवेंट किए. हमने आपके इवेंट भी जब आके हम कवर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि अपर्णा वाजपेयी ने एक दुबई में धमाका खेज यानी कि इवेंट का एक सिलसिला जारी किया हुआ है. अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने 2021 का जो 2021 का जो कैलेंडर लॉन्च किया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये थीम बेस्ड कॉन्सेप्ट है, और हमारा कोई भी एक्टिवेशन बहुत पर्पसफुल होता है. तो पर्पस बिहाइंड दिस 2021 कैलेंडर इज स्प्रेडिंग द राइट मैसेज विच आवर मेंबर्स ऑफ बीइंग शी और फाइनलिस्ट ऑफ बीइंग शी वुमेन हैज़ टू स्प्रेड इन द कम्युनिटी. तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं इसके अंदर. इट्स अ थीम बेस्ड कैलेंडर जो पूरे वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट किया जाएगा टू ऑल द कॉर्पोरेट्स, मीडिया हाउसेज एंड द कम्युनिटीज विच बिलीव इन एम्पावरिंग वुमेन. ओके, फॉर दिस कैलेंडर ऑफ कोर्स यू हैव सिलेक्टेड द ऑल ब्यूटीफुल वुमेन. सो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर द योर कैलेंडर दैट पार्टिसिपेटिंग द वुमेन इन दिस कैलेंडर? वुमेन आर ऑलवेज ब्यूटीफुल. और इसका क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि अगर आपके पास पैशन है, पर्पस है, आपके पास एक मिशन है, आपने अचीव किया है कुछ जिसके थ्रू जो फेलो वुमेन हैं कम्युनिटी में वो आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू पार्टिसिपेट इन द कैलेंडर. थैंक यू वेरी मच अपर्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने HD Plus को टाइम दिया, असलम जावेद को टाइम दिया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मेरे साथ जो सकते हैं जेनिफर फातिमा. तो जेनिफर फातिमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आप लोग एक इवेंट कर रहे हैं. मुझे ये बताएं कि ये 2021 का जो कैलेंडर लॉन्च हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एज माय फ्रेंड अपर्णा शी इज टोल्ड, बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ लॉन्चिंग दिस कैलेंडर, बेसिकली ईच एंड एवरी लेडी हैज़ अ क्वालिटी. ईदर दे हैव कम आउट विद फिल्म मेकिंग और ईदर इट्स ब्यूटिशियन, यू नो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज. तो शी इज़ लॉन्चिंग अ कैलेंडर ऑन द फीमेल्स हु आर एंटरप्रेनर्स. So basically that's what she has launched, and main yahan support karne ke liye aayi hu. And I'm a filmmaker, so I would definitely support. Yeah, definitely you are filmmaker. But what's your feeling today you are attending this the beautiful event? I'm proud that this event is launched by the females, because we really need to promote the female genders who actually want to come up in their life. So basically this is a platform for a lot of ladies who want to do so much in life but they don't get the opportunity. So basically these kind of my friend Aparna, she's coming up with this concept, will definitely promote other ladies also to come out with their beautiful qualities. Hello viewers, I am Aslam Javed from HD Plus Dubai.
तो मेरे साथ इस वक्त नसीहा जी मौजूद हैं, जो कि दुबई की टॉप सुपर मॉडल्स में इनका शुमार होता है, और आज हमारी खुश नसीबी कि एच डी प्लस को टाइम दे रही हैं, बल्कि इन्होंने आज 2021 के कैलेंडर के जो इनॉग्रेशन है उसमें पार्टिसिपेट किया। नसीहा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एच डी प्लस को टाइम दिया, असलम जावेद को टाइम दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पिंग शी का जो कैलेंडर जो लॉन्चिंग है आज की 2021 की, इसमें आप एज अ मॉडल पार्टिसिपेट करके कैसा महसूस कर रही हैं? ये बहुत अच्छा डिफरेंट पार्ट है, क्योंकि इन लोगों ने हम लोग विनर हैं, आई एम अ सेकेंड रनर अप फॉर बींग शी, तो इन लोगों का एक चीज़ था कि विनर्स को कैलेंडर शूट बनाएंगे, बट कंटेस्टेंट्स भी हैं उसमें, एंड यहाँ पे बहुत बड़ा लॉन्च हुआ है, एंड गेस्ट भी बहुत बड़े बड़े आए थे, तो इट्स रियली अमेजिंग एंड प्लेजर टू वर्क विद। अच्छा, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट हुआ था बिंगेशी का, उसकी आप विनर हैं आप, सही है? तो विनिंग पोजीशन पर आके आप लाजमत इस वक्त की आप ये सब सुपर स्टार हैं, आप दुबई की मॉडल हैं, कैसा फील करती हैं आप? फील तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबको अभी पहले नसिया उतना पता नहीं थी कि हाँ मॉडलिंग करती हूँ मैं, बहुत सारा हबाया शूट्स करती हूँ, कफ्तान्स करती हूँ, तो सिर्फ सबको पता था हाँ एक मॉडल है नसिया करके, बट आफ्टर बीइंग शी विनिंग बहुत सारे लोगों को मैं मतलब छा गई हूँ कि बोलते हाँ हाँ वी नो देव वो विनर है, ऐसा सब थैंक्स टू अल्लाह जो भी मिला, बट रियली ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है लेडीज़ के लिए, क्योंकि मैं बहुत कम बात करती हूँ एंड आई एम अ वेरी शाई पर्सन। बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत कम बात कर रही हूँ, अभी भी कम बात कर रही हैं मेरे साथ। नहीं एक्चुअली वो असलम जी का असर है, क्योंकि बातचीत इंटरव्यू में तो बातचीत होनी चाहिए, राइट? लेकिन एज अ पर्सनल देखेंगे तो मैं बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन आफ्टर ये बींग शी के बाद जो चीज़ें बाहर आई, इट्स मैं अभी थोड़ा खुल गई हूँ कि हाँ सबसे बात करने लगी हूँ, थोड़ा अच्छे से शूट करती हूँ, और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है। अच्छा, अर्पना वाजपेयी ने आपका सिलेक्शन किया एज अ बींग का, वो इस प्रोजेक्ट को चला रही है, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अपना जी का मैं सिर्फ थैंक यू कहूँगी, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आपको पता है कोविड पीरियड में एक शो करना इज़ नॉट ईजी थिंग, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है और मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बोल रहे थे कि नसिया नहीं, यू हैव टू डू समथिंग, तुम बाहर निकलो, तुम कुछ करो, तो आई एम रियली थैंक्स फॉर हर। अच्छा, हमारे एच डी प्लस टेलीविजन के नेटवर्क के व्यूवर्स को जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से? सबको हैप्पी न्यू ईयर, सेफ से रहना, हेल्थ से रहना, और थैंक यू सो मच फॉर असलम जी एंड आपकी टीवी के लिए, थैंक यू सो मच फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके गाइस, आई एम असलम जावेद फ्रॉम एच डी प्लस दुबई, एंड आई हैव विथ मी नादिया फ्रॉम यूक्रेन, शी इज़ द बेस्ट मॉडल ऑफ यूएई दुबई। सो नाउ वी आई वुड लाइक टू नो अबाउट द बींग शी being a she is launching today 2021 calendar. So what's your opinion about it? First, thank you so much for such a nice compliment. I'm really flattered. Regarding this event, it's an amazing event. Being she actually a platform for women empowerment, and I had a great experience of going through the journey of being in platform and being a winner for Miss Universe, second runner-up, Bean She 2020. And the calendar, it's actually a continuation of this event for 2021, and it's a great start to start new year. Happy New Year to everyone. Okay, so what do you want to say? That you are the part of the Being a She, and you are the winner of that event. So what's your opinion about it? Actually, being a winner, my concept is to continue to inspire women and to continue to promote my environment projects through Being She platform, CSR events, and the concept of 4E. I'm really grateful for this opportunity. Thank you very much, Nadia. You give us time to give to HD Plus and Aslam Javed. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.